वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रोड है वो। पुल तो नीचे पानी में डूब गया हुआ है। हर एक रूम की चाबी है इसमें, ये देखो हर एक रूम की चाबी है, जो मन करे उसमें चले जाओ। यानी कि पूरा होटल ही हमारे अंडर में है ये आज। अभी हमने पाम आइलैंड फास्ट टैक्स देखने, जब रिलीज हुए थे उस वक्त तो मैं दिल्ली में था, कल ही पहुंचा हूँ रात को 12 बजे, तो आज हम आ गए हैं देखने के लिए। कल तो इस मॉल की पूरा खाली है। मैंने फैसला ले लिया। तो जस्ट मूवी देख के आए हैं एंड अभी टाइम देखो 1:15 हो रहा है, तो एंड कुछ खास नहीं लगा बट बाकी ओवरऑल अच्छी थी। एंड में भी थोड़ा बेटर हो सकता था बट देखो अब अगला पार्ट, क्या पता 11 में भी यहाँ से कंटिन्यू करें। टाइम देखो 1:15 हो रहा है, जस्ट मूवी ख़त्म करके आए हैं। बाहर देखो मौसम बारिश वाला हो गया एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। और अभी मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ योगेश भाई, तो अभी हम निकल रहे हैं एक अनटच्ड जगह जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था, वो जगह एक्सप्लोर करने के लिए। ये वाली जो सीरीज़ है ना बिल्कुल भी मत मिस करना, एक एक एपिसोड देखना इसका, आगे और भी आपको मज़ा आएगा। अभी तो फिलहाल जर्नी कवर कर रहे हैं हम, जो कि जम्मू से है किश्तवाड़ से पाडर, जो कि अराउंड 267-280 किलोमीटर्स की जर्नी है। तो देखते हैं कितने, 3 बजे तक हमारा एस्टिमेट है कि हम जम्मू से निकल जाएं, उसके बाद आगे देखते हैं कि कितने बजे हम आगे पहुंचते हैं। तो ये वाली जगह ना हमारे जम्मू की इकलौती जगह जो पूरी रात खुली होती है। तो लोकेशन बताऊँ, ये है बस स्टैंड, जो अंदर एंट्री वाला गेट है लॉर्ड्स इन के आगे, तो ये वो जगह है। यहाँ पे आपको ब्रेड टोस्ट मैगी वगैरह मिलेगी और 24 घंटे ये खुला रहता है, जब भी आपको क्रेविंग हो कुछ खाने की तो यहाँ आप आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जम्मू में कुछ नहीं खुला रहता, सिर्फ ये बंदा खुला रहता है। आ गया हमारा बनमस का, जो मुंबई में मिलता है बटर, ये हमारी मैगी, ये पड़ी है मैगी, वो मैगी एंड ये चाय। रात को टाइम बताऊँ आपको, टाइम हो रहा है 1:45, तो अभी ये खा रहे हैं हम। अपडेट आपको देते रहेंगे टाइम टाइम पे। जम्मू के बाद पहला स्टॉप है, अब दूसरा देखते हैं कहाँ लगाते हैं। पूरे 4 बजे हम चनैनी नाशी टनल, नहीं नहीं अब इसका नाम चेंज हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, पहले चनैनी नाशी टनल था, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया इसका नाम। सो जिस हिसाब से चल रहे हैं मेरे ख्याल से 10 बजे पहुँच जाएंगे हम, है ना, उधर से पहुँच जाएंगे 10 बजे। 10 बजे तक हम बिल्कुल पार्टर में होंगे। इस टनल की खास बात ये है कि जब आप एक साइड से एंटर करते हो ना टनल के अंदर, तब आपको गर्मी लगेगी, और जैसे आप दूसरी साइड से एग्जिट करते हो ना टनल, तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। यानी कि
इस साइड से लेके दूसरी साइड तक का मौसम बिल्कुल समझ लो 10 डिग्री गिर जाता है। चले जाओगे तो श्रीनगर का रास्ता एंड यहाँ से आपको ये रास्ता गया श्रीनगर एंड यहाँ से आपको यू टर्न लेके नीचे की साइड हो जाना है। सो वो रास्ता गया आपका किश्तवाड़ डोडा वाली साइड। सामने फॉग देखो कितनी है, देख रहे हो। अभी हम पटौत पहुँचे हैं, पटौत है यहाँ से 10 किलोमीटर, लेकिन फॉग देखो कितना है यहाँ पे। इधर देखो लाइट पे, देख रहे हो आगे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था। एंड तभी हमने गाड़ी साइड में लगाई है एंड अब थोड़ा जाके क्लियर हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट आगे का देखते हैं। सो भाई अभी आपको एक इतना अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा ना, अभी दिन चढ़ने लगा है, 5 बज रहे हैं, नीचे पूरा फॉग है, पूरा वाइट है ये। एक बार मौसम चेक करो, देख रहे हो अल्टीमेट मौसम है। मैं कह रहा हूँ जम्मू 40 डिग्री हम कल छोड़ के आए हैं एंड आज टेम्परेचर 16 डिग्री है इस वक्त का। सोचो कहाँ 40 डिग्री और कहाँ 16 डिग्री हो, यहाँ पे ठंड लग रही है लिटरली। एंड फॉग देख सकते हो आप पीछे कितना, एंड उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा फॉग था, हमें कुछ दिख नहीं रहा था, इस करके हमने अभी गाड़ी रोकी है क्योंकि आगे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा, तो ऊपर से रोड छोटा है इस करके गाड़ी हमें थोड़ा इधर रोकी है। तो फिलहाल अभी हम हैं बग्गर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एंड दिन होने वाला थोड़ी देर में, आपको अगर हो सका तो सनराइज़ दिखाएंगे एंड एक बार भाई व्यू चेक करो आप अल्टीमेट भाई। तो शुरुआत है ये सफ़र की। एंड अब ये चिनाब हमारे पूरे रास्ते तक चलेगा हमारे साथ साथ, ये देख लो ये सारा चिनाब है। तो फाइन डोडा पहुंच चुके हैं, अगर यहाँ से जाओगे तो डोडा एंड ऊपर वाली साइड किश्तवाड़। तो भाई पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, कोई पता नहीं है। और हमारे युगेश भाई है ना जो बार बार सो रहे हैं बीच में, जिसके कारण मेरे को भी नींद आ रही है एंड इस करके अभी थोड़ा साइड पर लगाइए गाड़ी एंड एक बार व्यू चेक करो भाई पीछे का, देख रहे हो। एंड ये यार नीचे चिनाब, इस जगह का टाइम लैप्स एंजॉय करो। 3, 2, 1 यहाँ से किश्तवाड़ 40 किलोमीटर रह गया, उस पार्टर होगा तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर, तो जिसको करने में भी 3-4 घंटे और लगेंगे। सीधा गया भद्रवाह रास्ता ये है पार्डर का, बट अभी बंद है वो, वहाँ से जहाँ से वो लगे थे ना ट्रक। अब हमें पूरा घूम के आना पड़ेगा दूसरी साइड, वो दूसरे जो दूसरी साइड रोड दिख रहे हैं ना चिनाब के, वहाँ से आना पड़ेगा। अभी इस पुल का काम लगा एंड एक पुल तो नीचे पानी में डूब गया हुआ है, ये देखो ये नीचे वाला पुल। कर दो बंद,
भाई बुरी हालत है। कहाँ से शुरू हुआ था खराब रोड? डोडा से, डोडा से किश्तवाड़ का रोड ना बुरी हालत है। गुलाबगढ़ अभी भी 68 किलोमीटर है, तो जिसको करने में 2 घंटे लग जाएंगे। पहले हम कुछ यहाँ पे खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड मौसम भाई यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई जितनी हमें पीछे मिली, थोड़ा तक हमें खूब बारिश मिली। और जो इसके बाद वाला रोड है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोड है और वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रोड है वो, क्लिफ हैंगर वाला। सो इसके बाद शुरू होगा वो,